जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे थे कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम डेट है 18 फरवरी को होने वाला है, वायरल हो रहा है, क्या होगा कि नहीं। इससे संबंधित एक तगड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है कि आपका एग्ज़ाम कब तक होना है, और सभी लोग हो जाइए तैयार। चलिए सभी डिटेल न्यूज़ को जानते हैं इस वीडियो में। दोस्त, चैनल पर नए हैं तो यूपी पुलिस से संबंधित हर एक प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना नहीं भूलना है। इसके अलावा दोस्त, यूपी पुलिस से संबंधित बहुत सारी क्लासेस, जैसे यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड की देखेंगे तो जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे UPSI, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ASI, सभी का डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर यानी MCQ प्लस डिटेल, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको यही सर्च करना है, या फिर आप टेलीग्राम का नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहां पर जाकर के भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी का प्रैक्टिस सेट हो गया, और भी बहुत सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जा करके आप चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें तो यह न्यूज़ है 24 और वायरल इस समय हो रही है। आप सबको पता है कि भर्ती बोर्ड का प्लान था, मतलब अनुमान था कि 31 लाख के करीब फॉर्म पड़ेंगे, और इसका फरवरी यानी कि 18 फरवरी को डेट निर्धारित किया गया था। इधर उधर पत्राचार के माध्यम से जो कि निकल करके आ रहा था, अखबारों में कई बार आया था, लेकिन फॉर्म अनुमान से बहुत ज़्यादा 50 लाख के करीब फॉर्म पड़ गए हैं। तो इनका जो एक ही दिन में पेपर कराने का सपना था या फिर प्लान था, वह उसके ऊपर थोड़ा सा पानी फिर गया। अब यहाँ पर जो 50 लाख आवेदन आ चुके हैं, तो यहाँ पर पहले भी बताया जा चुका है पेपर के माध्यम से कि आपका पेपर एक से अधिक दिन में और दो से अधिक पालियों में पेपर कराए जाने की संभावना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मेन न्यूज़ पर आते हैं, तो यहाँ पर न्यूज है, यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि उक्त भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की अत्यधिक आवेदन पत्र होने की दृष्टिगत इस भर्ती की लिखित परीक्षा 17/2/2024 18/2/2024 यानी कि दो दिन में और दो दो पालियों, यानी कि प्रत्येक दिन दो पाली, दो दिन में चार पालियों में पेपर कराए जाने का निर्णय लिया गया है, तथा लिखित परीक्षा के एक दिन पूर्व अर्थात यहाँ पर 16/2/2024 को आवश्यक तैयारी हेतु भी केंद्र की आवश्यकता होगी। तो परीक्षा बड़ी है, तो यहाँ पर एक दिन पहले भी यहाँ पर इन लोगों को तैयारियाँ करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं जनपद हाथरस, यहाँ पर जिलाधिकारी को पत्र यहाँ पर लिखा गया है। बाकी यहाँ पर सभी चीज़ डिटेल लिख दिया गया है कि परीक्षा केंद्र 17/2/2024 एवं 18 को लिखित परीक्षा संपन्न कराए, तथा 16 को तैयारी हेतु यहाँ पर जो भी परीक्षा केंद्र है उनसे सहमति ले ली जाए। और यहाँ पर भर्ती बोर्ड द्वारा यहाँ पर ईमेल ID सब कुछ दे दिया गया है, और यहाँ पर बता दिया गया है। तो परीक्षा जो आप लोग सोच रहे थे, या फिर कहीं कहीं मार्केट में चल रहा था कि परीक्षा टलेगी या फिर मार्च में जाएगी, तो ऐसा दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। भर्ती बोर्ड पूरा फुल मूड में है परीक्षा कराने के लिए। आपकी परीक्षा निश्चित होगी, और 18 को होने वाली थी, अब तो एक दिन और कम ही हो गया डेट, ठीक है। 17 और 18 को परीक्षा होगी, और जैसे भी न्यूज़ निकल के आएगी आपको बता दिया जाएगा। चैनल से ज़रूर जुड़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।